रोड साइड असिस्टेंस हमारे अवेलेबल है। पहले देखिए 5 पार्ट्स के ऊपर वारंटी थी, बैटरी, मोटर, चार्जर, कन्वर्टर एंड कंट्रोलर। अब इसके एडिशन में बेल्ट, टायर्स, सस्पेंशन प्लस फुल बॉडी, 3 ईयर्स की कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। सो है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज हम आ चुके हैं भाई ई मोबिलिटी शोरूम यानी कि एम्पियर शोरूम में। और भाई देखिए, ये जो है न्यू प्रोडक्ट अभी आ चुकी है एम्पियर की तरफ से, भाई मैग्नस EX काफ़ी सक्सेस रही थी गाड़ी, भाई ये रही। उसके बाद भाई ऑटो एक्सपो में अपने गाड़ी देखी होगी जिसका नाम है प्राइमस। भाई देखिए ब्रांडिंग यहाँ पे आपको मिल जा रही है। तो अभी आपको मिलने वाली है एक दमदार इलेक्ट्रिक स्कूटर, और इसका रेंज एंड इसका जो चार्जिंग टाइम वो काफ़ी ज़्यादा अभी आपको अच्छी मिलने वाली है। तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में, कितना क्या प्राइस है, चार्जिंग टाइम, रेंज कितना आपको देने वाली है, सब कुछ आपको बताऊंगा इस वीडियो में। प्लस कुछ की फीचर्स आपको बताने वाला हूँ, वो भी फाइनेंस से रिलेटेड, ठीक है ना। तो चलिए भाई स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो और देखते हैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर एम्पियर की भाई प्राइमस। तो स्टार्ट करते हैं इसके की से ही। तो ये रहा इसका की, देखिए भाई इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का। एंड फ्रंट का प्रोफाइल, गाड़ी का पूरा प्रोफाइल अगर देखेंगे तो मैग्नस EST तरह ही लगती है गाड़ी, पूरी तरह से है भाई गाड़ी, कोई भी चेंजेस नहीं की गई। लेकिन इसका जो कलर देख पा रहे हो ना, डुअल टोन में मैट कलर में, वो काफ़ी शानदार लग रही है भाई। देखिए यहाँ पे मैट ब्लू कलर की गाड़ी एंड ग्लॉसी ब्लैक कलर यूज़ किया गया है, प्लस यहाँ पे सिल्वर कलर की लाइनिंग आपको मिल जा रही है। तो अगर हेडलाइट की बात करें तो इसको पहले ऑन कर देते हैं। तो भैया इसका DRL का पार्ट यानी कि DRL डेकअप के यहाँ पे LED की लाइट को मिल जा रही है नीचे की तरफ में। एंड ये इसका हेडलाइट का पूरा प्रोफाइल मिलेगा आपको LED के साथ, यानी कि LED का पूरा सेटअप आपको दी जा रही है इस गाड़ी में। एंड इंडिकेटर हेलोजन के साथ में मिल जा रही है और पूरी तरह से इंटीग्रेटर को मिलेगी, और थोड़ी सी लंबी देखिए यहाँ पे आपको रखी गई है। बाकी ग्लॉसी ब्लैक जैसे मैं बता दिया भाई। फ्रंट में इसका जो पैनल रखा गया है एम्पियर का, यहाँ पे भाई बंद करते हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी गाड़ी। तो एम्पियर यहाँ पे स्टिकरिंग आपको मिल जा रही है। एंड इसका जो फ्रंट मडगार्ड है ना, इसमें क्या अलग है आपको बता दूं, तो देखिए ये पूरी आपको मिलेगी फ्लेक्सिबल, यानी कि भाई अगर कोई टक्कर वगैरह होता है तो ये इतना जल्दी टूटेगा नहीं। देखिए ये पूरी जो है आपको शॉक को जो है रेजिस्टेंस करेगी। तो देखिए आपको काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल आपको मिल जा रही है। टायर आपको थोड़ी सी बड़ी मिलेगी, 12 इंच की टायर रखी गई है। एंड हॉलो व्हील आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। कॉम्बी ब्रेकिंग आपको मिल जा रही है, यानी कि पीछे का ब्रेक उसके साथ आपको आगे के ब्रेक अगर एक ही लीवर आप प्रेस करोगे तो दोनों जो है अप्लाई हो जाएंगी। देन अगर बात करें इसके साइड प्रोफाइल की, तो अभी आ जाते हैं इसके साइड प्रोफाइल में। तो ये हो गया इसका साइड प्रोफाइल। एंड देखिए भाई साइड लुक जो है इससे इलेक्ट्रिक स्कूटर का, एंड जैसे कि मैं बताता ब्लू कलर में गाड़ी है एंड सिल्वर कलर की यहाँ पे आपको ट्रिटमेंट मिल जा रही है। एंड प्राइमस यहाँ पे लिखा गया है 3D लोगों के साथ। तो ये रहा इसका भाई रियर पैनल जैसे देख पा रहे हो। एंड ये रहा इसका फ्लोर बोर्ड, तो यहाँ पे आप अपना छोटा सामान जो रख के लाना ले जाना कर सकते हो, उसका ऑप्शन भी आपको मिल जा रही है। लगे जो का भी यहाँ पे दी जा रही है। एंड ये रहा इसका चार्जिंग पोर्ट जहाँ पे आप इस स्कूटर को जो है चार्ज में लगा सकते हो भाई, ये रही। ओके, तो यहाँ पे आपको मिल जाता स्पेस, स्पेस स्पेस के अंदर क्या है मैं आपको दिखा दूँ। देखिए तो यहाँ पे मिल जाती है USB का पोर्ट, तो मोबाइल चार्ज करने के लिए भाई अच्छा खासा जगह आपको दे दिया गया है यहाँ पे। तो पोर्ट में यहाँ पे डालिए एंड यहाँ पे मोबाइल रख सकते हैं ताकि आपका मोबाइल जो है चार्ज में लगा रहे। तो अभी आ जाता है इसके रियर प्रोफाइल में। तो ये रहा इसका रियर प्रोफाइल, देखिए भाई। तो टेल लाइट और इंडिकेटर ये रहा आपको मिल जाती है हेलोजन की जो है टेल लाइट जैसे देख पा रहे हो। एंड ये रहा इसका भाई रिफ्लेक्टर। देन ये रहा इसका रियर टायर, तो रियर में आपको मिल जाती है 12 इंच की टायर विथ ऑलो व्हील जैसे देख पा रहे हो। साइड रिफ्लेक्टर यहाँ पे आपको दी जा रही है एक तो। एंड ये रहा इसका पिलियन फुटरेस्ट। देन आपको यहाँ पे लेडीज फुटरेस्ट भी आपको यहाँ पे मिलने वाली है, वो भी स्टॉक, ये आपको बाहर से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको मिलेगी इससे स्कूटर के साथ स्टॉक। ये रहा इसका लेडीज फुटरेस्ट। ये रहा भाई इसका ग्रैब रेल, थोड़ी सी आपको फ्लैट मिलेगी अगर आप चाहो तो, यहाँ पे भी कुछ साउंड वगैरह टाई भी कर सकते हो। थोड़ी सी आपको जैसे टूरिंग टाइप मिलती है ना, उसी हिसाब से यहाँ पर रखा गया है। सिंगल सीट आपको ऑफर कर रही है, लंबी भी आपको मिलेगी देखिए भाई। एंड आपको थोड़ी सी चौड़ी मिलेगी, तो यहाँ पर कम्फर्ट में कोई भी आपको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड ग्रे कलर की यहाँ पर रखा है इसका जो ग्रैब रेल जैसे देख पा रहे हो, यहाँ पर ये ग्रे कलर में रखा गया है। देन अभी बात करते हैं क्लस्टर की, तो स्टार्ट करते हैं क्लस्टर। और जो सबसे मेन फीचर आपको दिखा दूं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में,
देखिए भाई ये रही, दिख रहा है तो कैसे घूम रही है। तो भाई टर्न बाय टर्न नेविगेशन आपको मिल जा रही है, ब्लूटूथ आपको मिल जा रही है, एंड बाकी पूरी डिस्प्ले जैसे कि आप बोलते हैं डिजिटल में, स्पीडोमीटर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एंड यहाँ पे देखिए इंस्टेंट कितनी क्या अभी गाड़ी चलने वाली है वो भी आपको यहाँ पे शो करेगी, ऑडोमीटर यहाँ पे शो करेगी, तो बैटरी स्टार्टर यहाँ पे शो कर रही है जैसे देख पा रहे हैं 100% अभी गाड़ी चार्ज में है। एंड अगर मैं फिर से इसको ऑन करता हूँ देखिए यहाँ पे सब कुछ आपको शो करने वाली है। देन इको आई मीन मोड की बात कर लेते हैं भाई, मोड यहाँ पे आपको मिल जाती है 3, इको सिटी एंड पावर जिसका बटन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो देखिए भाई इको यहाँ पे हो गया, देन सिटी, देन पावर, ठीक है। तो अभी दिखाते हैं इसका स्पीड इको में कितना चलती है, तो उसके लिए मुझे खड़ा होना पड़ेगा भाई। तो देखिए भाई अभी इको में कितना जाती है 42, ओके, देन सिटी में 63 एंड पावर मोड में 91। तो पूरी जो है ओला को टक्कर देने वाली है, ओला की जो S1 है, तो 91 इसका जो मैक्सिमम जो स्पीड है जो कि आपको मिलेगी इसके पावर मोड में, ओके। तो अभी तीन मोड के साथ आपको यहाँ पे रिवर्स का मोड भी आपको मिल जा रही है जिसका बटन आपको यहाँ पे मिलने वाला देखिए, ओके। तो चार मोड हो गए भाई, ये तीन और ये एक, तो चार मोड आपको मिलने वाली है। बाकी स्विचेस आपको यहाँ पे मिल जाती है हाई बीम लो बीम का, इंडिकेटर, हॉर्न, ओके, मोड का बटन, यहाँ पे लाइट की बटन आपको यहाँ पे मिल जा रही है। स्टोरेज की बात करें तो भाई इसको सीट को उठाना पड़ेगा अभी, तो भाई यहाँ पे देखिए आपको मिल जाता है स्टोरेज, तो इसका जो पैक पहले उठा देते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको मिल जाता है इसके अंडर सीट स्टोरेज आपको मिल जा रही है इससे इलेक्ट्रिक स्कूटर में, जो कि लोग काफ़ी ज़्यादा डिमांड करते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक स्कूटर में स्टोरेज क्यों नहीं है, तो यहाँ पे देखिए आपको प्राइमस में आपको स्टोरेज भी मिल जा रही है, एंड उसके साथ आपको यहाँ पे एक लैंप मिल जा रही है जैसे कि बोलते हैं ना कार में बूट लैंप, वैसे देखिए यहाँ पे, तो रात में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेगी आपको, ठीक है ना। तो अभी करते हैं इसको बंद, एंड अभी बात करते हैं जो टेक्निकली चीज़ों के बारे में, यानी कि भाई चार्जिंग टाइम, बैटरी कितने क्या आई मीन आपको मिलने वाली है, कितने वाटेज की आपको मिलने वाली इसका मोटर वगैरह। तो मैं आपको बता दूं कि इस स्कूटर में आपको मिलने वाली 60Ah 3 kWh की LFP बैटरी, यानी कि लिथियम फेरो फॉस्फेट वाली बैटरी, जो कि भाई लोग बहुत बोलते हैं कि भाई लिथियम फेरो फॉस्फेट जो है ज़्यादा बेटर रहती है, तो वो बैटरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है स्कूटर में। अगर चार्जिंग टाइम की बात करो तो भाई अगर आप इस गाड़ी को यानी कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का अगर आप 15 ampere की सॉकेट में चार्ज करते हो तो आपको 4 घंटे का समय लगेगा, अगर इसको आप 25 ampere वाली सॉकेट में अगर इसको चार्ज करते हो तो ये जो स्कूटर आपको 2 घंटे में फुल चार्ज होकर दे देगी भाई। तो फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन आपको मिल जा रही है, एंड भाई रेंज की अगर बात करूँ तो भाई 120 km का इसका रेंज है जो कि कंपनी क्लेम करती है। अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूँ तो भाई आप अगर यूगो में चलाओ तो भाई 100 km चलेगी, एंड अगर इसको स्पोर्ट में चलाओगे यानी कि पावर मोड में चलाओगे तो ये स्कूटर आपको 80 km तक जो है लेके चली जाएगी आराम से। तो ये तो हो गया इसका टेक्निकल के बारे में। तो बैटरी के ऊपर और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि भाई इससे स्कूटर आपको मिल जाती है IP67 रेटेड मिलने वाले, जो कि वेदर प्रूफ एंड वाटर प्रूफ आपको मिलेगी, जो कि आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि लोग जो है इसको बारिश में चलाना आई मीन चलाना चाहते हैं और बहुत सोचते हैं कि भाई चलाना चाहिए नहीं चाहिए, तो वो चीज़ के लिए भी आपको यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादा हॉट कंडीशन हो जैसे समर में हो या फिर बारिश में भी आप इसको चला सकते हो आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए भाई अभी जानते हैं इसके फाइनेंस के बारे में, एंड जो मैंने आपको बोला था की फीचर आपको मिलेगी राउरकेला से मिलने वाली है उसके बारे में। तो बाकी की जो है जानकर जाने के लिए हम आए हैं भाई यश भाई के पास। भाई आपका स्वागत है मेरे चैनल पे, थैंक यू। और भाई बताएंगे वो क्या चीज़ें हैं जो कि आपको अट्रैक्ट करेंगी इनके शोरूम की तरफ, भाई बताइए। सबसे पहले तो कंपनी काफ़ी रिलायबल है जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड है, जिस वजह से ये SEBI और RBI के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम करती है, तो फ्रॉड होने का कोई भी चांसेस नहीं है। लोगों के मन में काफ़ी डाउट रहता है कंपनी कैसी है, इलेक्ट्रिक मार्केट रहेगी कि नहीं रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी, आफ्टर सेल्स सर्विस मिलेगा नहीं मिलेगा, जैसे फोर्ड जैसी बड़ी कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, तो ये सब न्यू कंपनीज है सर्वाइव करेंगी कि नहीं। सेकेंडली इसका जो मोटर है 4000 watt रेटेड है, जो 0 to 40 4.2 seconds में कवर करता है विथ 200 kg पेलोड कैपेसिटी, ओके। सो काफ़ी फास्ट पुलअप है इसका, और हमारे शोरूम में आपको फाइनेंस की 2 special सर्विस दी जाती है जो कोई भी राउरकेला के शोरूम में अवेलेबल नहीं है, जिसमें से नंबर 1 आप ओनली 5000 डाउन पेमेंट में गाड़ी लेके जा सकते हैं, और वो 5000 डाउन पेमेंट आप कोई भी पेट्रोल गाड़ी या इलेक्ट्रिक गाड़ी एक्सचेंज करके भी पे कर सकते हैं, ओके। ये काफ़ी यूनिक एक डिज़ाइन किया है हमने फाइनेंस। सेकेंडली
अगर आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना है, लोग बोलते हैं कि 8-9% काफ़ी इंटरेस्ट हैवी हो जाता है, तो आप वन टाइम 50,000 डाउन पेमेंट दे सकते हैं। बाकी का जो अमाउंट है वो 12 इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा इंटरेस्ट फ्री। ओके, तो ये दो एक्सक्लूसिव फीचर हमने डिज़ाइन किया है फाइनेंस के लिए। हमारी मैग्नस गाड़ी काफ़ी हिट रही है राउरकेला में, ऑल ओवर इंडिया मोर देन 2.5 लाख व्हीकल सोल्ड हुई है। अब प्राइमस आई है जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं उनको कम्पीट करने के लिए। इसमें 3 ईयर्स की कम्प्लीट वारंटी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। पहले देखिए 5 पार्ट्स के ऊपर वारंटी थी, बैटरी, मोटर, चार्जर, कन्वर्टर एंड कंट्रोलर, जो मेजर 5 पार्ट्स थे गाड़ी के। अब इसके एडिशन में बेल्ट, टायर्स, सस्पेंशन प्लस फुल बॉडी, 3 ईयर्स की कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। एडिशनल 2 ईयर्स की वारंटी भी कंपनी दे रही है, उसका एडिशनल कॉस्ट है। जैसा आप AC वगैरह परचेस करते हैं, एक एक्सटेंडेड फीचर रहता है। और 3 सर्विस फ्री देती है कंपनी, होम सर्विस भी अवेलेबल है अगर आप चाहते हैं कि होम सर्विस मिल जाए। रोड साइड असिस्टेंस हमारे अवेलेबल है, हमारे एक्सपर्ट स्टाफ है, डेडिकेटेड वर्कशॉप है। आपको घर पे सर्विस चाहिए, ऑन कॉल रोड सर्विस चाहिए, सारी सर्विस हमारी अवेलेबल है। तो भाई अगर मेरे चैनल थ्रू कोई आता है तो उनको कुछ मिलेगा कि डिस्काउंट वगैरह? ज़रूर, हम आपके थ्रू जो भी चैनल से आता है उन्हें 1000 डिस्काउंट प्लस एक 1500 का रियलमी का स्पीकर, कीरिंग स्पीकर फ्री देंगे। ये रियलमी का एक पॉकेट स्कीप स्पीकर है, आप यहाँ से जैसे दार्जिलिंग ट्रैवल कर रहे हैं तो गाड़ी में इसको कीरिंग में लगा के यूज़ कर सकते हैं। साथ ही आप घर में भी इसको यूज़ कर सकते हैं छोटा मोटा ओकेजन्स में, तो काफ़ी हैंडी है, पॉकेट में भी एडजस्ट हो जाता है और गाड़ी में भी आप इसको चार्ज कर सकते हैं। USB चार्जिंग गाड़ी में दी हुई है, इसमें USB चार्जिंग का एक ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसको चार्ज करते हुए भी प्ले कर सकते हैं। तो पूरी जो ओला को टक्कर देगी ये गाड़ी। अगर आपको म्यूजिक भी चाहिए तो यहाँ पे भाई स्पीकर को दे रहे हैं, वो भी रियलमी का, तो भाई म्यूजिक क्वालिटी आपको अच्छा मिलेगा एंड गाड़ी भी अच्छी मिलेगी। 1,15,000 इसका जो ऑनरोड जो प्राइस है। बाकी भाई राउरकेला में आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलने वाले हैं, वो भी GS Y की तरफ से। और अगर आपको राउरकेला से गाड़ी लेनी हो तो इनका नंबर आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, इससे इस एम्पियर प्राइमस के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो मिलता है, धन्यवाद।